तो ऑल सेट टू गो, हम निकल रहे हैं अपनी ट्रिप के लिए। हमारी ट्रिप हम स्टार्ट कर रहे हैं पहली समर कॉटेज, मोस्ट अवेटेड। राहुल आ चुके हैं, सारा सामान पैक है, राबिया गाड़ी में है, सो लेट्स गो। सेट टू गो, हम जा रहे हैं अपनी पहली कॉटेज ट्रिप पर। मैंने हेट लगा लिया है और मैं अभी यहीं से तैयार हूँ। आई एम सो एक्साइटेड, चलो। बारिश वाला मौसम हो रहा है और हम अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, तो हम लोग उनसे मिलेंगे आइकिया वांटा। तो वो लोग भी निकल चुके हैं, हम भी निकल चुके हैं और वहाँ पर मिलते हैं। और दो लोगों के पास छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो उस वजह से अपनी जर्नी ऐसे प्लान करनी पड़ी है कि हर घंटे पे रुकना है कहीं ना कहीं, बच्चों को फीड कराना है, उनको क्लीन करना है, जो भी करना है, हर एक घंटे पे स्टॉपेज है और उसके बाद फिर आगे की जर्नी। और टोटल जो जर्नी है हमारी वो है अराउंड 350 किलोमीटर, जिसमें हमें 3 से 4 घंटे लगने वाले हैं। तो अभी जा रहे हैं और मौसम हमने सोचा था कि सनी होगा लेकिन आज पूरा क्लाउडी है, जरा भी सन नहीं है। Now we are here at IKEA and our friends Azad and Simge. Hello. And Heavy. Hello. देखने को मिलेगा, देखते हैं जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर थोड़ा अलग वेदर दिखा रहा है, उसके चांसेस कम है, देखते हैं वहाँ पर कैसा रहता है हमारा लक। जब हमने जर्नी प्लान की थी तब तो हम देख नहीं सकते थे तब क्या रहेगा, बट एक गैस था कि एंड ऑफ मई है तो सनी ही होगा। बट ये 4 दिन, जिन 4 दिन हम जा रहे हैं कॉटेज ट्रिप पर, 4 दिन बारिश है, उसके बाद फिर से सन है और अभी कल तक भी सन था अच्छा खासा। So let's see, finger crossed. तो पहुंच गए हैं अपने पहले स्टॉप पे जो है एबीसी लाती। एबीसी लाती ये गैस स्टेशन है लेकिन यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स हैं बड़ी बड़ी और अंदर रेस्टोरेंट और सब कुछ है, तो अंदर चलते हैं थोड़ा कॉफी वगैरह लेते हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर मिल जाता है आपको बेबी का डायपर चेंजिंग के लिए एक स्टेशन और फीड कराने के लिए एक प्रॉपर चेंजिंग रूम फीडिंग रूम, तो वो सबसे अच्छी चीज है। देखते हैं वो खाली भी होना चाहिए। हाँ, पर ये भी है वो खाली भी होना चाहिए। तो चलते हैं अंदर, कॉफी लेकर आते हैं अपनी। ठीक है।
यहीं पर मेरे पीछे है एस मार्केट, अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है तो वो भी कर सकते हैं सुपरमार्केट से। अगर कुछ भूल गए हैं ट्रिप के लिए लाना तो वो ले सकते हैं। So you are practicing with two newborns in case you have troubles like twins. Yeah. I know that I'm done. Our baby. तो अभी रुके हम गैस स्टेशन पर, पीछे बच्चों को फीड कराने के रूम में गए हुए हैं। अभी बच्चे फीड कर रहे हैं, उनका डायपर चेंज हो रहा है और इधर लंच वगैरह है। और इधर है मेरे पीछे इताला का आउटलेट, यहाँ बियर के ग्लास मिल रहे हैं। तो पहुंच गए हैं प्रिज्मा अपनी शॉपिंग करने। यहाँ से बस 30 मिनट्स का रास्ता बाकी है, पीछे प्रिज्मा। तो शॉपिंग करते हैं जो भी ग्रिल वगैरह के लिए हमें सामान लेना था, और फिर निकलते हैं यहाँ से फटाफट और कॉटेज चल के आपको कॉटेज दिखाते हैं। चलो ये इधर देखो क्या हो रहा है ये। बच्चों की वजह से बार बार स्टॉप लेना पड़ा हमको, और हम पहुंच चुके हैं। I'll show you. See, this is the view. Wow, just wow. This is more beautiful. जो हमने सोचा था उससे ज्यादा। Okay, this is our villa. And I think these are the cars. Owner की कार है ये। खड़ी है सारी ओनर की कार, और ये है हमारा विला, और हम पहुंच चुके हैं दूसरी कॉटेज में। घुस गए, कॉटेज दिखी और हमारा फ्रेंड उसमें घुस गया। आई थिंक वो वहां जाना चाहता था। हम भी उसके पीछे चले गए। हम ऑलमोस्ट लाइक ओह माय गॉड, ये तो उससे भी अच्छा है जो हमने फोटोज में देखा था, पर गॉड नोज मे बी हमारा वाला भी अच्छा हो। तो अभी पहुंचने वाले
और देखते हैं ये वाला उतना अच्छा है या नहीं। वो तो बहुत ही सुंदर, ये रोड की कंडीशन देख के पता चल रहा है कि सारे अच्छे होंगे क्योंकि रोड मेंटेन की हुई है। यहाँ पर इतने ज्यादा घर नहीं है क्योंकि और इन्हीं लोगों के पैसों से ये मेंटेन होती है। अच्छा, ऐसा भी है। हमारा वाला ये है व्हाइट कलर का। He is the owner. ओनर ऑलरेडी हमें वेलकम करने के लिए खड़े हैं और हम अपने कॉटेज पर पहुंच चुके हैं। एंड ये है व्यू कॉटेज के पीछे। अपनी कॉटेज पहुंच चुके हैं। एक्चुअली ये एक विला है क्योंकि हमने इसको एयरबीएनबी से बुक किया हुआ था और वहां पर लिखा हुआ था कि ये विला है और अंदर से भी फील आ रही है, कॉटेज वाली फील नहीं है, एक प्रॉपर विला वाली फील है। और इसका पीछे बैक साइड गार्डन है, सब कुछ है। और हमने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है। अभी शाम के 8 बज रहे हैं और यहाँ पर अभी पूरा दिन है। रात को 11 बजे तक रात होगी, यहाँ 12 भी बज सकते हैं अंधेरा होने में, और उसके बाद 4 बजे और 3 बजे सुबह को फिर से दिन निकलना स्टार्ट हो जाता है। और ये चीज़ जून में जाकर फिर से मिडनाइट सन वाला आता है फील, जिसमें कि कभी रात ही नहीं होती है, थोड़ा सा सन नीचे जाता है और फिर से राइज होने लगता है, तो वो वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी हम फाइनली कॉटेज पर पहुँच चुके हैं और आपने हमारी जर्नी देखी। कल सुबह कॉटेज की वीडियो बनाते हैं और आपको दिखाऊँगा कॉटेज कैसी है अंदर से और क्या क्या व्यूज़ हैं और हमने क्या क्या किया। तो अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं तो मैंने वहाँ पर भी काफ़ी सारी स्टोरीज पोस्ट की हुई हैं, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। और यूट्यूब पर तो मैं वीडियोस अपलोड करता ही रहूँगा। अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में 4 दिन हम यहाँ पर रुकने वाले हैं और काफ़ी सारी चीज़ें करने वाले हैं और आपको दिखाएंगे कि यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा होता है कॉटेज का, या फिर कंट्री साइड आप जब आते हैं वैकेशन पर, तो वो सारा एक्सपीरियंस आपको दिखाऊंगा और इसके प्राइसेस वगैरह और कितना खर्चा हम कर रहे हैं इस बार। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।